दोस्तों, हमारे आईफोन में या फिर आईपैड में कुछ ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारे लोकेशन को ट्रेस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम कोई न्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो उसको हम सारा एक्सेस दे देते हैं, यानी कि हमारे लोकेशन के एक्सेस को भी हम वहाँ पर अलाउ कर देते हैं। तो भाई, ये एप्लीकेशंस पता कर लेती हैं कि हम कहाँ पर हैं। जहाँ पर भी हम घूमते हैं या फिर हम अपनी क्रश से मिलते हैं या फिर गर्लफ्रेंड से आप अगर मिल रहे हो, तो फिर भाई आपकी एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में यानी कि आईफोन में है, सारा कुछ पता कर लेता है वो। और उससे भाई बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होती है कि भाई वो जहाँ भी रहते हैं उन लोगों को पता चल जाता है कि भाई वो बंदा कहाँ का है, वो क्या कर रहा है, अभी सब कुछ एक्सेस हो जाता है। तो भाई इस सिचुएशन में आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने लोकेशन को ऑफ कर दो या फिर एप्लीकेशंस को अलाउ ही मत करो। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, बट आप तो करो सिर्फ एक ही काम। अगर एप्लीकेशंस को आपको यूज़ करना है तो भाई आप अपने लोकेशन को ऑफ कर दो। इससे क्या फ़ायदा है कि भाई, पहला फ़ायदा तो ये है कि आपके कोई भी एप्लीकेशन आपकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर सकता, और दूसरा फायदा यह कि आपके आईफोन का बैटरी भी कम कंज्यूम होगा, यानी कि कम खर्चा होगा, तो ज्यादा देर तक भी आपका बैटरी टिकेगा। तो भाई बहुत लोगों को यह प्रॉब्लम आ रही है कि अपने आईफोन में या फिर आईपैड में लोकेशन को ऑफ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक आपको देखना है भाई, पता चल जाएगा कि कैसे आप अपने आईफोन में या फिर आईपैड में लोकेशन को ऑफ कर सकते हो, वो भी सही तरीके से, ताकि कोई भी एप्लीकेशन आपकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना के। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको दो काम करना है। पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और साथ ही पता चलता है हमारी वीडियोस कितने लोगों को पसंद आ रही है। एंड सेकंड काम ये है कि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं हो तो क्या कर रहे हो, जल्दी से रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि जो हमारे नए लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हम अपने आईफोन के स्क्रीन पर।